नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर प्राची को जलाने के लिए एक नई चाल चलते हैं रणबीर। क्योंकि रणबीर जिस समय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, वो लेते हैं रिया का सहारा कि रिया मुझे थोड़ा सहारा दो, मुझे चलना है, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ रणबीर जो कर रहे हैं, ये रणबीर रिया से प्यार नहीं करते, बल्कि उसे तो खाली प्राची को जलाना है, और प्राची को जलाने के लिए ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं रणबीर। हालांकि बात की जाए तो आप लोग जान चुके ही होंगे कि किस तरीका से रणबीर अपनी चाल चल रहे हैं, क्योंकि एक प्यार वाली बात आ रही है दोनों के सामने। दोनों ही प्राची और रणबीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये तो खैर ऑडियंस को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑडियंस जानती ही है कि रणबीर और साथ में प्राची टुगेदर। लेकिन दोस्तों रिया को भनक भी नहीं लगी कि उसकी पोल पट्टी जल्दी ही खुलने जा रही है, और प्राची और सिड दोनों मिलकर रिया को ऐसा एक्सपोज करेंगे कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते रिया कि ऐसा भी कुछ हुआ है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से रिया अपना एक अलग ही गेम खेल रही है, उसे लग रहा है कि मेरे बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है जितने भी मैंने आज तक कांड किए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि प्राची तुम्हारे बारे में सब कुछ देख रही है। इधर लगातार आलिया सिड को टॉर्चर कर रही है और बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो सोच लेना मेरे पास में एक प्लान ऐसा भी है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं जेल में भी सड़ा सकती हूँ और तुम्हें मरवा भी सकती हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार किस तरीका से टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिड को टॉर्चर का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रिया और आलिया मिलकर जो गेम खेल रही हैं इस समय बहुत ही घटिया और बहुत ही अलग गेम खेल रही हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।